जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट आपके, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है जो कि किससे रिलेट करता है, पर चैप्टर 6 से रिलेट करता है, चैप्टर 7 नहीं, चैप्टर 7 से ही रिलेट करता है, पर ये है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चैप्टर 6 का सीक्वल है, ये कह ले कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट चैप्टर 6 में थे और कुछ कंसेप्ट चैप्टर 7 में है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कल हमने क्या सीखा था, सिंगल प्रॉमिस के रूल्स और जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स। सिंगल प्रॉमिस के रूल्स में हमने पढ़ा कौन परफॉर्म करेगा, प्रॉमिसर या उसका एजेंट या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पार्टी भी कर सकती है, लेकिन वो कुछ केसेस है जिनमें सिर्फ प्रॉमिसर ही करेगा परफॉर्म, उसके अलावा और कोई बंदा। पर्सनल नेचर और आर्ट वर्क, पर्सनल नेचर की क्या एग्जांपल थे, एग्रीमेंट टू मैरी, और आर्ट वर्क से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रूल स्टडी किए जॉइंट प्रॉमिस के, कि जॉइंट प्रॉमिस के केस में क्या होगा, कि सबसे पहला रूल क्या था, जॉइंट प्रॉमिस की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट को लायदा बताया था, सेवरल को लायदा बताया था। जॉइंट का मतलब कोई भी लायबल है, हर एक में से कोई भी लायबल हो सकता है, और सेवरल का मतलब क्या है, होल अमाउंट तक लायबल हो सकता है। हाँ, फिर आगे रूल पढ़ा था, अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर अपने हिस्से से ज्यादा पे करता है तो वो दूसरे पार्ट जो दूसरे प्रॉमिसर से उसको रिकवर करवा सकता है, और अगर किसी जॉइंट प्रॉमिसर को प्रॉमिसरी रिलीज कर देते हैं तो वो अदर जॉइंट प्रॉमिसर को स्टिल लायबल है, अदर जॉइंट प्रॉमिसर इससे रिलीज नहीं होते और वो अदर जॉइंट प्रॉमिसर को भी लायबल। अच्छा, एक कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था, जॉइंट प्रॉमिसर है और जॉइंट प्रॉमिसी है, तो जॉइंट प्रॉमिसी से कौन पर डिमांड कर सकता है, एक सिंगल प्रॉमिसी कर सकता है के सारे मिलके करेंगे, सारे मिलके करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मजीद कंसेप्ट है, वो आज एक क्वेश्चन जो आज की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करें अब डिस्कशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ आर थर्ड पार्टीज कैन ऑल्सो परफॉर्म द प्रोमिस। ए, आरिफ प्रोमिसेस टू मैरी बिस्मा। मैंने पूछा फिर बताइए भाई, क्या ये प्रॉमिस कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, रीजन बताइए, पर्सनल नेचर का है, शाबाश। बी, आजम प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बाबर। जी, क्या इसको कोई थर्ड पार्टी बाबर के अलावा कोई और परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। सी, आजम प्रॉमिसेस टू पे बाबर ए सम ऑफ मनी। एंड वाले भाई ताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती हैं, एंड वाले भाई बता दे भाई आपसे, हाँ कर सकते, क्यों, ये पर्सनल नेचर का नहीं है, ये तो पैसे हैं, पैसे कोई भी दे सकता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन वाले भी पड़ा था, शाबाश। डी, आजम प्रोमिसेस टू मैरी बुशरा, आजम डाइज, तो आजम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉमिस पूरे कर सकते हैं, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल नेचर। ई, आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1,000। आजम डाइज बिफोर दैट डे, उसने कहा 1,000 के इवेज आपके घर सामान प्रोवाइड सब सप्लाई करूंगा, उससे पहले आजम की डेथ हो गई। जी बताइए, क्या आजम के अलावा जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी परफॉर्म कर सकता है, क्यों भला, एक रीजन ये भी है कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और दूसरी रीजन क्या है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक। नेक्स्ट, एफ, कामरान बारोज रुपीज ₹200,000 फ्रॉम बाबर एंड प्रॉमिस टू रीपे विद इन ए मंथ। अकमल द फादर ऑफ कामरान पेज ₹200,000 टू बाबर। पे कामरान ने उधार लिया था, लेकिन उसके वाले साहब अकरम ने रीपे कर दिया, तो बताइए क्या अकरम दे, अकमल अकमल दे सकते थे, क्या ये वैलिड पेमेंट है, क्या रीजन है, दो में से कोई भी रीजन लिख लें, या ये लिख लें कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या क्या लिखे, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी।
जी अजमल प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बानो ऑन ए सर्टन डे, अजमल प्रॉमिस करता है बानो को एक सर्टन डे पे गुड्स ले और पेमेंट ऑफ मी मानता था। अजमल डाइज बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले अजमल की डेथ हो गई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा। यहाँ भी आजम था, यहाँ भी अजमल है, चले ठीक है जी। अजमल हाँ प्रॉमिस, अच्छा नहीं सर, अजमल ने बानो को प्रॉमिस किया कि एक सर्टन डे के ऊपर वो उसको 1000 रुपए की चीजें सप्लाई करेगा। अजमल की डेथ हो गई, क्या अजमल ड्यू डेट पे अजमल के रिप्रेजेंटेटिव लायबल हैं? बिल्कुल लायबल है। और अगर यहाँ पे अजमल की नहीं बानो की डेथ होती तो फिर उस सूरत में अजमल गुड्स को सप्लाई करता और बानो के रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट करते। अनवर प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर सलीम बाय ए सर्टन डे एट ए सर्टन प्राइस, अनवर डाइज बिफोर द डे। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये थर्ड पार्टीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी ना। क्वेश्चन टू, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से अटेंटिव हो जाएं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन, अच्छा बुक्स बंद कर दें, बुक्स बंद कर दें, सामने जो लिखा नजर आ रहा है ना आपको, एंड वाले भाई नजर आ रहा है ना, तो बुक्स की क्या जरूरत है, फोकस हो जाएं। सामने कह रहे फहीम सलीम एंड जमील बोरोड रुपीज 50 मिलियन फॉर ए बिजनेस प्रोजेक्ट फ्रॉम ए कॉमन फ्रेंड कमाल, ठीक है। दे जॉइंटली प्रोमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट, दे जॉइंटली प्रोमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट, बताइए प्रोमिजर कौन है? फहीम सलीम एंड जमील, और प्रोमिजी कौन है? अच्छा जॉइंट प्रोमिजर्स तो हैं, प्रोमिजी सिंगल है, ये जॉइंट प्रॉमिस का केस बनता है कि नहीं बनता? बनता है। बताया था जॉइंट प्रॉमिसर हो या जॉइंट प्रॉमिसी हो या दोनों हो तो जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स अप्लाई होंगे, तो इस क्वेश्चन के ऊपर जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स अप्लाई होंगे। कैन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट व्हाट वुड बी, देखिए एग्रीमेंट में तो कुछ भी तय हो सकता है ना, एग्रीमेंट में हो सकता है, नॉर्मली होता है कि जो प्रॉमिसी होते हैं ना ये इकट्ठे डिमांड करते हैं पेमेंट, ये पढ़ा था ना हमने, प्रॉमिसी जो है वो इकट्ठे पेमेंट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कोई एक पेमेंट डिमांड कर सकता है वो भी ठीक है। नॉर्मल रूल ये होता है कि प्रॉमिसर ने जॉइंट प्रॉमिसी को जब वो इकट्ठे हो तब पैसे देने हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट में तय पाया हो कि कोई एक प्रॉमिसी भी अगर हमारे बिजनेस में मौजूद हो ना तो प्रॉमिसर उसको पैसे दे सकता है, तो अगर एग्रीमेंट में जो तय पाया हो तो फिर तो वो एग्रीमेंट वाली बात ही अप्लाई होगी, लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ भी तय नहीं पाया, इस यही कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट व्हाट वुड बी द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगे, क्या जॉइंट प्रॉमिसर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे? जी जॉइंट प्रॉमिसर्स लाइबिलिटी पहले बताना चाहते हैं, लाइबिलिटी पहले बताते हैं, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल, और अब ये राइट आ गया, अगर कोई एक ज्यादा पे कर दे तो वो दूसरों से रिकवर कर सकता है, ये राइट में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें और तो कोई राइट एंड लाइबिलिटी नहीं है, मेन वैसे यही था। नेक्स्ट, आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील फ्रॉम द जॉइंट लाइबिलिटी, अगर कमाल जमील को रिलीज कर दे, अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताए। अब उसने अच्छा राइट्स एंड लाइबिलिटीज किसके पूछे हैं, कमाल के जमील के, दोनों के बता देते हैं। कमाल कौन है? जिसने पैसे देने थे, जिसने पैसे रिसीव कर दे, उसके क्या राइट्स हैं कि उसने जिसको रिलीज किया है उससे पैसे तो नहीं लेकिन दूसरे पैसों से रिसीव, दूसरों से ले सकता, मैं भी यही कह रहा था। नहीं आप एकदम शोर, मैं समझा मैं गलत कह रहा हूं, अगर जॉइंट प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी यानी कमाल को लायबल है, लायबल है नहीं, जॉइंट प्रॉमिसर ने पे करने है कमाल को,
अगर कमाल एक पार्टी को रिलीज कर देता है, स्टिल उसका राइट है कि दूसरे जाइंट प्रोमिसर से पैसे रिकवर कर सकता है। रिलीज ऑफ वन जाइंट प्रोमिसर डज नॉट रिलीज अदर, ठीक है, अदर स्टिल लायबल है। ये इसका राइट हो गया और जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी हो गई कि अदर जॉइंट प्रोमिसर आज स्टिल लायबल। अब अदर जॉइंट प्रोमिसर का राइट क्या होगा भला? के हाँ जी, जब वो अपने शेयर से ज्यादा पैसे पे करेंगे तो वो जिसको रिलीज किया गया है, किसको रिलीज, जमील को, जमील से एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया गया वो क्लेम करेंगे। कुछ समझ आई आपको? रिलीज वाला ये बेसिकली जो पार्ट था रिलीज ऑफ पार्टी के कंसर्ट में बेस कर रहा था। बी, हाउ वुड द लायबिलिटी वुड डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब क्या होता है? डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब किसी पार्टी की डेथ हो जाए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन आर मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, अगर किसी एक या ज्यादा जॉइंट प्रोमिसर की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड प्रोमिसर आर लायबल अलोंग विद सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर्स। लॉन्ग विद, सर ये लाइन समझ आ रही है? चलिए आगे चलना। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने कहा सर एक और पॉइंट भी तो था कि जो ज्वाइंट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अप टू द अमाउंट ऑफ स्टेट ट्रांसफर्ड उस अमाउंट तक लायबल है। बिल्कुल है, वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल है भाई जान, थोड़ा सा जरा होल्ड करके, फिर भी मैं भी यही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ घर से, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए। ये आइंस्टाइन है, ये कौन है, ये चीफ जस्टिस है, तो इससे क्यों पूछ रहे भाई? भाई से पूछे, चीफ जस्टिस तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन ये मैंने पढ़ के आया हूँ, मैं मेरा ख्याल है इन भाईजान से तो बेहतर ही आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। क्वेश्चन थ्री, बेन्यामिन बारो रुपीज 1 मिलियन फ्रॉम हातिम एंड ताहिर जॉइंटली एंड प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन March 1, 2011। बताइए इसमें प्रोमिसर कौन है? बेन्यामिन। और प्रोमिसी कौन है? बताइए प्रोमिसर एक है, प्रोमिसी एक से ज्यादा है, जॉइंट प्रोमिस के रूल अप्लाई होंगे कि नहीं? इसमें यानी जॉइंट प्रोमिसर नहीं है, जॉइंट प्रोमिसी है। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन चूंकि दोनों में से एक भी जॉइंट हो जाए जॉइंट प्रोमिस बन जाता है। कह रहा है स्टेट विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग सेशन। अच्छा, नॉर्मल रूल क्या है हमारा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ना लिखा हो तो हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? जॉइंट प्रोमिसर सारे इकट्ठे, जॉइंट प्रोमिसेस सारे इकट्ठे डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। और अगर किसी एक ही डेथ हो जाए उसके लिए लेकिन जहन में रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो ना कि जॉइंट प्रोमिसेस में से कोई एक भी रिसीव कर सकता है या डिमांड कर सकता है तो वो भी डिमांड कर सकता है। ये नॉर्मली कंसेप्ट अप्लाई होता है पार्टनरशिप वाले टॉपिक पे, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो जब कोई भी पार्टी पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट करती है ना तो ये जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स वहां पे अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। उस सूरत में अगर किसी ने पार्टनरशिप से लोन दिया, लोन लिया है, तो वो तो प्रोमिसर है, रीपे करना है, प्रोमिसी हमेशा सारे पार्टनर्स होंगे। तो इसमें तो ये रूल लगना चाहिए कि जब तक सारे पार्टनर्स इकट्ठे होकर पैसे नहीं मांगेंगे ये बंदा पैसे नहीं देगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स का इकट्ठे होना मुश्किल होता है। तो उस सूरत में याद रखे, एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हम में से हर एक पार्टनर का राइट है कि वो आपसे पैसे वसूल कर सकता है, इसलिए अगर कोई भी एक आ गया ना तो आपने उसको पैसे दे देने हैं। या अगर जब आप दुकान पे आए और आपने कोई भी पार्टनर वहां पे बैठा हुआ उसको पैसे ऑफर कर दिए, उसको पैसे टेंडर कर दिए, तो ये समझा जाएगा आपने एक पार्टनर को नहीं सबको ऑफर कर दिया। तो ये जहन में रखिएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो फिर ये भी हो सकता है कि एक प्रोमिसी भी सारे पैसे ले सकता है या उसको ऑफर किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर जॉइंट प्रोमिसी जितने होंगे वो इकट्ठे टुगेदर कैन डिमांड परफॉर्मेंस। पढ़ा ना, जॉइंट प्रोमिसेस टुगेदर कैन डिमांड परफॉर्मेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो क्या सिंगल प्रोमिसी को? ठीक है, चलिए ठीक। यहां पे देखें, चूंकि उसने कुछ नहीं बताया हुआ इसलिए हम नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। नॉर्मल रूल अप्लाई, बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट, कौन परफॉर्म करेगा, कौन डिमांड करेगा? हातिम एंड ताहिर दोनों, अनलेस एग्रीड, बिल्कुल अनलेस एग्रीड। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव हातिम अलोंग विद ताहिर, बोथ हातिम एंड ताहिर डाई बिफोर द ड्यू डेट. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम अलोंग विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ताहिर. क्लियर हुआ क्वेश्चन? पास्ट पेपर का था. आगे चलें. सुहेल एंड अफाक, बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सुहेल एंड अफाक लेंड रुपीज 2 मिलियन टू मोहसिन लैला एंड फिजान जॉइंटली. ये अच्छा क्वेश्चन पता क्यों है? हाँ, प्रॉमिसर भी जॉइंट है, प्रॉमिसी भी जॉइंट है, इसलिए मुझे पसंद है. इससे पहले जॉइंट प्रॉमिसर थे तो प्रॉमिसी सिंगल था, और अगर प्रॉमिसी जॉइंट थे तो प्रॉमिसर, इसमें दोनों का क्या, जॉइंट प्रॉमिसर भी जॉइंट. तो अब बताइए इसमें जॉइंट प्रॉमिसर कौन है? जिसने पैसा. सुहेल एंड फाक, लैंड का मतलब होता है लैंड, सेंड, देना, लोन देना. सुहेल एंड फाक ने लोन दिया, मोहसिन लैला और फिजान ने वापस करना है. तो जॉइंट प्रॉमिसर है मोहसिन लैला एंड फिजान, लोन वापस करने के वाले से, और जॉइंट प्रॉमिसी है सुहेल एंड फाक. ऑन ड्यू डेट लैला बिकेम इनसॉल्वेंट. लैला इस रिलीज का केस नहीं है, इनसॉल्वेंसी का केस है, बैंकरप्टसी जिसे कहते हैं, डिफॉल्ट टर्म. विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, सुहेल को इन्फॉर्म किए बगैर, अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम. इसको अंडरलाइन करें, अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम. इसमें दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, क्या अफाक अकेला मोहसिन से पैसे क्लेम करवा सकता है? और दूसरा, क्या मोहसिन अकेला लायबल है अमाउंट को पे करने के लिए? बिल्कुल. अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक. बिल्कुल, क्यों? लीगल प्रोविजन कौन सी है? बिकॉज लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इज जॉइंट एंड सेवरल, इसीलिए सिर्फ एक पार्टी यानी मोहसिन से भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं सारे के सारे. एक मिनट, अफाक मोहसिन मेरे हाल है मिक्स हो गए, ठहर जाए. वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक. अच्छा एक मिनट, ठहरे. नहीं हाँ, इसके दो हिस्से करते हैं. वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट, यस, यही तो बताया, यही बता रहा था मैं, शोर मचा रहा. आगे रुके तो सही था. क्या मोहसिन से सारे के सारे पैसे निकलवाए जा सकते हैं? यस. क्यों? बिकॉज लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल. दूसरा क्वेश्चन, वेदर, क्या कर रहे हैं आप? नहीं किया, मजाक कर रहा हूं, नहीं किया, ये देख ले, नहीं किया, नहीं किया, ये है. डर ऐसे जैसे सांप हो. नहीं, कभी हॉस्टल में नहीं आपने जिंदगी गुजारी? हॉस्टल में तो फिर गया. वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द, भैया मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दे. मोहसिन से सारे पैसे लिए जा सकते हैं? क्या अफाक सारे पैसे ले सकता है? यानी पे करने वाला सिंगल हो सकता है, रिसीव करने वाला सिंगल नहीं हो सकता. रिसीव कर, अफाक को अपने साथ सुहेल को मिलाना पड़ेगा अमाउंट रिकवर करने के लिए. हाँ, अगर सुहेल अफाक को भेजे, यानी कंसेंट हो जाए, एग्री हो जाए कि चलो एक अकेला, तो फिर उस सूरत में ले सकता है, ठीक है. लेकिन अनलेस एग्रीड तो दोनों क्लेम करेंगे, दोनों परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे. ये बात समझ आ रही है? यानी जॉइंट प्रॉमिसर्स में से किसी एक से भी सारे पैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन जॉइंट प्रॉमिसेस सारे इकट्ठे होकर टुगेदर परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे, पैसे डिमांड करेंगे. जी, इसका आंसर पहले हिस्से का आंसर हुआ यस. वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट, यस. आगे, वेदर मोहसिन कैन बी फुल टू, वेदर अमाउंट कैन बी पेड टू अफाक, इसका आंसर नो है. फर्क समझ आ रहा है ना? जॉइंट प्रॉमिसी का रोल, जॉइंट प्रॉमिसी. व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपेज द फुल अमाउंट? अगर वो फुल अमाउंट पे करता है तो लायबल, तो
आगे तो वो फुल अमाउंट पे करता है तो मोहसिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिकवर करवा सकता है किससे? फिजान से। पहले क्यों बोला? लैला तो बैंकक्रप्ट हो गई। लेकिन याद रखें, इसमें फर्ज कीजिए ये 2 मिलियन है ना, 2 मिलियन। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2 मिलियन था, हर एक ने कितना पे करना था? मोहसिन, लैला और फिजान ने इक्वल शेयर कितना? 0.67। ठीक है, यही पे करना था ना। लैला हो गई बैंकक्रप्ट, अब इसने कितना पे करना है? 0। तो इसका मतलब है इसका जो लॉस है वो दोनों को डिवाइड होगा, हाँ, तो 1 मिलियन आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मोहसिन, लैला एंड फैजान, ये मोहसिन, लैला और फैजान, इन सब ने पे करना था 66,666। क्या बनता है? इतने बनता है 66,666 और 66,666, 6 लाख। अच्छा चलो ये ले, 1,6 और। ठीक है, अब लैला बैंकक्रप्ट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका लॉस इक्वली बेयर करेंगे दोनों, यानी कितना होगा? 33,000। अब इसने मजीद में 33 जितना भी बनता, 3,33,333। तो ये टोटल करके अब इसने कितना पे करना है? 1 मिलियन। इसने कितना पे करना है? 1 मिलियन। लेकिन कितना पे किया मोहसिन ने? 2 मिलियन पे किया। तो इसका मतलब है मोहसिन कितने पैसे रिकवर करेगा फैजान से? 1 मिलियन। क्लियर? yes, आगे चलें। फाइव ए, आजम बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर रुपीज 3,000। Whom can Dawar compel to pay the debt? Any of the joint promisor. Any of the joint promisor. ठीक है? अच्छा कोशिश करें मैं एनी का वर्ड लिखे, ऑल का वर्ड ना लिखे। ऑल का वर्ड कोई दूसरा मीनिंग भी दे सकता है, कि ऑल ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर का मतलब कि सारे इकट्ठे, उससे ये सेंस भी आ रही है, इसलिए एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर का वर्ड ज्यादा बेहतर है। बी, आजम बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रोमिस टू पे दावर ए सम ऑफ रुपीज 3,000। Sakhlain is compelled to pay the whole. Azam is insolvent, but his assets are sufficient to pay one half of his debts. What is Sakhlain's right in this case? Calculation करके बताइए किसने किसको कितने पैसे देने हैं? Sakhlain ने तो सारे पैसे दे दिए ना, इसी तरह सामने के सामने calculation है। पहले bad debt को distribute करना है, फिर उसके बाद आपने बताना है किसने कितना। Calculation करें अभी, करें hybrid वाले भी अभी करें, calculation करना लाजमी है भाई। calculation कर दे यार, तेरी मेहरबानी। कैलकुलेशन रिटर्न जबानी नहीं चाहिए, जबानी नहीं चाहिए, रिटर्न फॉर्म में चाहिए। जैसे आपके सामने कैलकुलेशन किया इसी तरह करें, पहले बैड डेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें सकलैन, प्लीज आप भी कर दें, आप भी कर दें, आप भी कर दें, मुझे लिखत में चाहिए, लिखत में लिख के दिखाएं। कर दे यार तेरी मेहरबानी, कर दे। ये सामने ये टेबल सा बना के मुझे दिखाएं, ये जबानी कलामी ना करें, ये छोटा मैं इसलिए टेबल आपसे बना रहा हूं, एग्जाम में कॉम्प्लेक्स अमाउंट भी आ सकती हैं, वो आपसे जबानी कलामी नहीं होंगी, मुझे कोई शौक नहीं है बिलावज आपसे मेहनत करवाने का। कर दे यार, हो गए। सब ने ए बी और एस तीनों ने 1,000 देना था, अब बी जो है वो सिर्फ 50% दे रहा है, यानी इसका मतलब है 500 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करें, 500 बी में से लेस हो जाएगा, बी के कॉलम में से 500 लेस हो जाएगा, और कौन बैंकक्रप्ट हुआ है? आजम, हाँ आजम का 500 लेस हो जाएगा, और बी का कितना ऐड होगा? 250, और एस का भी 250। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट पता था, पड़ा था ना, अगर कोई एक जॉइंट प्रॉमिसर डिफॉल्ट करता है लॉस सारे इक्वली बेयर करेंगे। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब किसने पूरे पैसे दिए? सकलैन ने। सकलैन ने कितने पैसे दिए? 3,000। अब इधर 3,000 लेस कर दो, हाँ इसका मतलब सकलैन ने देने कितने थे? 1,200। कितने दिए? 3,000। अब बाकी उसने 1,750 किससे लेना वाला? 1,250 बी से और 500 ए से।
ये कैलकुलेशन समझ आई आपको? देखिए जबानी कलाम में भी कर सकते हैं हम, लेकिन रिटर्न फॉर्म में इसलिए आपसे करवा रहा हूं, एग्जाम में कम्प्लेक्स फिगर्स देगा, वहां पे ये कैलकुलेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आगे चले भैया, बी समझ आया? सी, आजम बाबर एंड सकलेन आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर फीस 3000। सकलेन इज अनएबल टू पे एनीथिंग एंड आजम इज कंपेल्ड टू पे द होल। व्हाट इज आजम राइट इन दिस केस? आजम करेक्ट भाई। इसी तरह करें कल, अब की बार अमाउंट दिखाएं कितनी है, अब की बार अमाउंट दिखाएं कितनी है, किससे कितनी कितने पैसे लेने हैं उसने? आजम दोनों से 1500-1500 लेगा, जो बैंक करप्ट हो गया उससे क्या लेना? बाप सिर्फ 1500 लेगा बाबर, क्योंकि जो बैंक करप्ट हुआ है उसका लॉस आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो फारिग है। अनेबल टू पे का मतलब बैंक करप्ट हो गया, डिफॉल्ट कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब भी वही है, बैंक करप्ट होने का मतलब भी वही है, डिफॉल्ट होने का मतलब भी वही है, अनेबल टू पे का मतलब भी वही है। डी, आजम बाबर एंड सकलेन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर रुपीज 3000। दावर रिलीज आजम फ्रॉम हिज लाइबिलिटी एंड सूज बाबर एंड सकलेन फॉर पेमेंट। उसने कहा कि मैं तो बाबर और सकलेन से पेमेंट लूंगा, आजम को उसने रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब समझ नहीं बताया था आपको? आर बाबर एंड सकलेन आर लाइबल टू पे द अमाउंट आफ्टर रिलीज ऑफ आजम? यस। क्यों बड़ा पढ़ा था? रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट रिलीज अदर जॉइंट प्रोमिसर फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। सेकंड, कैन बाबर एंड सकलेन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आजम? बिल्कुल, अगर अपने शेयर से ज्यादा पे करते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं। ई, आजम इन कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 5000 लेंड टू हिम बाय बाबर एंड सकलेन प्रॉमिस बाबर एंड सकलेन जॉइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन अ डे स्पेसिफाइड। बाबर डाइज, हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम 5000 फ्रॉम आजम? सिर्फ सकलेन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाबर अलॉन्ग विद सकलेन, उसे डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जी, असलम बशीर एंड साहिल जॉइंटली प्रॉमिस टू पे रुपीज 3000 टू दाऊद। असलम बशीर एंड साहिल मस्ट कंट्रीब्यूट रुपीज 1000 ईच। असलम डाइज, हु इज लायबल टू रीपे द अमाउंट? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असलम अलॉन्ग विद बशीर एंड साहिल। एच, अच्छा ये सुनेगा, अशरफ ओव्स रुपीज 15000 टू रिजवान एंड तनवीर जॉइंटली। He offered to pay amount to Tanvir. पहले तो मुझे ये बताइए ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है पिछले सारे क्वेश्चन से। He offered to pay the amount to Tanvir on the proper time and place. पिछले क्वेश्चन में था कि जॉइंट प्रॉमिजी में से एक आके मांग रहा था, इसमें प्रोमिजर खुद जाके एक को पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये इसलिए डिफरेंट है। तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी एक प्रोमिजी को ऑफर किया गया जाए ना किसी एक, तो ऐसे समझा जाएगा कि जैसे सबको ऑफर किया गया है। यानी जब एक पार्टी, हालांकि नॉर्मल रूल क्या है, सारे जॉइंट प्रॉमिजी मिलके ही उस कर सकते हैं ना, लेकिन अगर वो ऑफर करना चाहे किसी एक को ऑफर करे तो ये वैलिड ऑफर समझी जाएगी। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, इसका ये मतलब कि इसमें अज्यूम करना है आपने पार्टनरशिप का केस, फिर आपको ये एग्जाम्पल समझ आएगी। पार्टनरशिप के केस में अगर आप किसी एक पार्टनर को पैसे ऑफर करें तो अज्यूम किया जाता है कि आपने सारे पार्टनर्स को पैसे ऑफर कर दिया है। तो इसीलिए यहां पे लॉ ये कहता है कि ऑफर टू वन जॉइंट प्रॉमिसी इज इक्वल टू ऑफर टू ऑल जॉइंट प्रॉमिसी। तो अगर वो उसने इनकार कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कसूर प्रोमिजर का था, इसमें प्रोमिसी का कसूर ही समझा जाएगा। हालांकि नॉर्मल रूल क्या है कि जब तक सारे प्रॉमिजी इकट्ठे ना हो पेमेंट नहीं होगी, और यहां पे प्रॉमिजी एक प्रॉमिजर को पेमेंट कर रहा है, प्रॉमिजर जो प्रॉमिजर है, प्रॉमिजर वो एक प्रॉमिजी को पेमेंट कर रहा है, उसने रिफ्यूज कर दिया, तो इसमें बजाहिर लग रहा है कि कसूर प्रॉमिजर का है प्रॉमिजी का नहीं, क्योंकि प्रॉमिजी इकट्ठे हो तो फिर पेमेंट की जाती है। लेकिन यहां पे चूंकि प्रॉमिजर खुद गया, यहां पे डिमांड वाला नहीं ऑफर वाला केस है, डिमांड वाला केस नहीं है ये, कौन सा है भाई, ये फर्क है कि नहीं, केस पढ़ के पता चल रहा है इसमें। हालांकि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसमें वही रूल लगना चाहिए कि अगर सारे इकट्ठे नहीं है प्रॉमिस तो पेमेंट नहीं होनी चाहिए, और उसने पेमेंट की भी नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है इस सिचुएशन में हम प्रोमिजर का कसूर नहीं मानेंगे डिले,
इसमें हम प्रॉमिसी का, अगर उसके पास ये पहुंच गया था ना तो प्रॉमिसी को चाहिए था दूसरे लोगों को बुला लेता, रिफ्यूज ना करता बल्कि दूसरे लोगों को बुला लेता। इसलिए लाने का ऑफर टू वन जॉइंट प्रॉमिसी इज इक्वल टू ऑफर टू ऑल जॉइंट प्रॉमिसी। ये नहीं कहा पेमेंट टू वन जॉइंट प्रॉमिसी इज इक्वल टू पेमेंट टू ऑल जॉइंट, ये नहीं कहा, क्योंकि ये तो हमने रूल पढ़ा हुआ ना, ये थोड़ी कहेगा पेमेंट टू, भाई बात समझ आ रही है थोड़ी टेक्निकल, पेमेंट टू वन जॉइंट प्रॉमिसी इज नॉट पेमेंट टू ऑल जॉइंट प्रॉमिसी, लेकिन ऑफर टू वन जॉइंट प्रॉमिसी इज ऑफर टू ऑल जॉइंट प्रॉमिसी। क्यों बोला? वो उसे चाहिए जिसको एक को ऑफर के दूसरे लोगों को बुला ले, अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो फिर डिले की वजह से प्रोमिसर जिम्मेदार नहीं है इंटरेस्ट का। फर्क समझ आ रहा है? ये अशरफ वाले इसको इसको साथ में स्टैटिक मार्क कर ले शो करवाने के लिए कि डिफरेंट है दूसरे एग्जाम्पल से। हाँ, पे नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, ये वैलिड टेंडर तो है, शाबाश, ये कंसेप्ट है, टेंडर वैलिड है, टेंडर यानी उसने ऑफर कर दिया, अब इसे चाहिए था प्रोमिसी को कि दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर लेगा। ये हमारे क्वेश्चंस थे, खत्म। अब चलते हैं, टाइम नहीं हुआ बिल्कुल भी, ना 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 ना, तो आज कुछ सीखे बगैर आज घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे आपको कॉलेज भेजा था कुछ सीखने के लिए, सुबह सुबह उठे, कॉलेज आए, भेजा आपको, खिला पिला के घर से भेजा, कपड़े इस्त्री करके भेजा, जूते पॉलिश करके, किस लिए? ताकि कॉलेज जाके कोई कंसर्ट, तो घर वाले पूछेंगे आज क्या पढ़ के आए, कहेंगे कुछ भी नहीं। ये अलग है, एलिमेंट हो, अब स्टडी करने लगे हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के, प्रॉमिस कहां परफॉर्म किया जाए, टाइम एंड प्लेस ऑफ, और दूसरा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। पहले टाइम एंड प्लेस, इसमें सबसे पहले तो टाइम का मतलब समझ लें। टाइम का मतलब दिन है कि वक्त है, डे और टाइम, यानी इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ये कि पीर मंगल या बुध, किस दिन प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाए। फर्स्ट कीजिए, हमने वादा किया कि किसी पर्सन को हम गुड्स डिलीवर करेंगे, राइस डिलीवर करेंगे, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दिन मेंशन करना चाहिए कि टाइम भी, ये जेहन में रखिएगा, टाइम से मुराद वक्त, वक्त। तो जब भी लॉ में लफज टाइम बोला जाए ना, टाइम, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि किस दिन, इससे मुराद ये भी है कि किस वक्त। टाइम इज इक्वल टू डे प्लस वक्त, वक्त से आर, डेज प्लस आर, डे प्लस आर, ये ज्यादा बेहतर है, समझ रहे? डे यानी दिन भी और किस टाइम पे वो भी। तो इफ टाइम स्पेसिफाइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा डे होगा, कौन सा आर होगा, तो जो एग्री हो गया, जो स्पेसिफाई हो गया, उसी के ऊपर डिलीवरी होगी, चाहे वो दिन कोई भी हो, चाहे बुध हो, चाहे जुमेरा, चाहे जुम्मा, चाहे इतवार, जो भी हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, जो मेंशन कर दिया, जो एग्री हो गया ना, वही होगा। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है, टाइम स्पेसिफाई, और अगर इसी तरह प्लेस अगर एग्री हो जाए, तो जो एग्री हुई उसी के मुताबिक डिलीवरी होगी। अगर टाइम एंड प्लेस, प्लेस का मतलब क्या है, किस जगह गुड्स डिलीवर की जाएगी, अगर टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो स्पेसिफाइड है जगह टाइम, उसी के मुताबिक डिलीवरी होगी, डन। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो टाइम का रूल डिफरेंट है, प्लेस का रूल डिफरेंट है। टाइम का रूल क्या है, हमने ये तो एग्रीमेंट कर लिया, इन भाईजान जल्दी में थे, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सर ऐसा कीजिए कि आप 100 टन राइस भिजवा दीजिए हमें, चले गए। मैं जानता हूं, मैं इनके घर का पता भी जानता हूं, मैं इनकी दुकान का पता भी जानता हूं, मेरे पास इनका मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, पार्टी नोन है, लेकिन एग्रीमेंट में तय नहीं पाया टाइम एंड प्लेस क्या होगा। अब ला क्या कहते हैं, हमें रूल क्या लगेगा, ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी है तो उसकी वजह से वाइड हो जाए, ला कहते हैं नहीं, रूल बताता हूं क्या, आपने गुड्स को डिलीवर करना है विद रीजनेबल टाइम,
रीजनेबल टाइम नहीं, पहले रीजनेबल टाइम कर, रीजनेबल पीरियड कह ले, विद इन रीजनेबल। ये नहीं कि उन्होंने टाइम एग्री नहीं किया तो आपके अच्छा 10 साल के बाद अब मैं डिलीवर करूंगा, क्योंकि आपने टाइम एग्री नहीं किया मेरी मर्जी, 10 साल के बाद डिलीवर। लॉ कहता है नहीं, रीजनेबल पीरियड। इसमें रीजनेबल पीरियड क्या, उसका महीना डेढ़ महीना फॉर एग्जाम्पल। वैसे रीजनेबल पीरियड क्या होगा, ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन मे भी महीना रीजनेबल। आपको क्या लगता है इस केस में, महीना रीजनेबल है कि साल? महीना रीजनेबल है, मुझे भी लगता है। तो अगर टाइम मेंशन नहीं है तो विद इन रीजनेबल पीरियड। अच्छा, महीने के अंदर बहुत से दिन हैं, बहुत से आवर्स हैं, रीजनेबल पीरियड में भी बहुत से दिन हैं, बहुत से आवर्स हैं, किस दिन, किस वर्किंग डे में और किस वक्त? बिजनेस आवर्स में। अगर इतवार को डिलीवरी लेके पहुंच दिया जाए, अगर स्पेसिफाई होता तो इतवार को भी वैलिड था, स्पेसिफाई नहीं किया तो वर्किंग डे में, हॉलीडे में नहीं, ईद के दिन ले गए डिलीवरी नहीं, रात के 12 बजे ले गए। अब याद है वो एक 12 बज के 1 मिनट में भी आ गया था कोई डिलीवर करने के लिए। अगर तो एग्री हुआ ना तो फिर 12 बजे भी ठीक है, ठीक है। फिर मैं ना जब मैंने मैट्रिक किया तो ज्यादा पढ़ता नहीं था, घर वालों ने कहा अच्छा पढ़ना नहीं है तो काम शाम करो, मामू की दुकान थी सेंट्री की, उधर उन्होंने मुझे भेज दिया। ओए होए होए होए, 2 महीने जो मेरे साथ हुई मैं ही जानता हूँ, हाथ जोड़ के मैंने कहा अब पढ़ना है, अब पढ़ना है। हाँ जी, सी ए से ले, पता ही नहीं उधर क्या होता है। वो डब्बे होते थे, डब्बे चार चार पांच पांच सड़क होती थी चलती, ये फिरोजपुर रोड, वो डब्बे लेके उधर जाना उधर लेके आना, सर घूम जाता था, 2-3 फेरे लगते थे। और उनकी बात सुने, लाहौर में ना ये दिन के वक्त में ट्रक का दाखला ममनू है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जिस दिन सामान आना होता था उस दिन कहते आ सामान, और ट्रक आता था 12 बजे के बाद, ज्यादातर 12, तो 1 बजे ट्रक आया करता था, तो अब 1 बजे तक इंतजार। अच्छा, पहले सारा दिन काम किया, फिर 2-10 बजे दुकान बंद हुई तो हम कहते थे यार थोड़ी देर सो लो, 2 घंटे की, 2 घंटे में क्या नींद पूरी होती है, 1 बजे फिर उठ के दोबारा ट्रक अनलोड करवा, और अनलोड करवाते थे ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे तो डिस्प्ले होता है ना, नीचे गोदाम या ऊपर लग पता जाता था। बहरहाल, लेकिन एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि वो जो एग्रीमेंट होते हैं ना सप्लायर के साथ, उसमें लिखा होता था कि रात 12 बजे के बाद ही आपने आना है, तो वो सप्लायर लायबल था रात के 12 बजे डिलीवरी देने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया तो कोई भी टाइम चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर वर्किंग डे बिजनेस आवर्स में डिलीवरी होगी। भाई ये बात समझ आई आपको? ठीक है, ये पहले रीजनेबल टाइम पीरियड, लेकिन फिर उस पीरियड के अंदर भी तो बहुत से दिन और बहुत से वक्त हैं, तो इसीलिए लॉ ने रीजनेबल टाइम या पीरियड के साथ साथ ये भी मेंशन कर दिया क्या कि वो वर्किंग डे एंड यूजुअल बिजनेस आवर्स होगा। अच्छा, अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो चलेगा, एक्सेप्ट तो जो भी कर ले तो चलेगा। प्लेस, अगर जगह नहीं मेंशन की, मुझे पता है इनका घर कहां है, मुझे पता है इनका बिजनेस प्लेस कहां है, प्लेस इन्होंने मेंशन की। अच्छा, लेकिन इसमें लॉ ने कहा है कि आप फौरी तौर पे रीजनेबल प्लेस पे डिलीवरी नहीं करेंगे, इसलिए, लेकिन हालांकि असूली तौर पे ऐसे होना चाहिए, जैसे रीजनेबल टाइम कह दिया उस तरह रीजनेबल प्लेस भी कहा जा सकता था, लेकिन लॉ ने कहा नहीं। प्रैक्टिकल इशू इसमें यह था कि जो बंदे चीजें खरीदते हैं ना, उन्हें उन चीजों को ऑफलोड करवाने के लिए कोई जगह का इंतजाम करना पड़ता है। अचानक से अगर उनके पास सामान ले जाए ना, उन्हें कहिए अनलोड करें, रखे सामान, वो कहेंगे हमारे पास जगह ही नहीं है। गोदाम में ना बाजू का सफाई सुथराई करनी पड़ती है, अगर आपको अंदाजा हो कि किसी मजदूर वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए लॉ ने कहा इसमें तो जो प्रोमिसर है ना वो खुद से फैसला कर ले कि रीजनेबल पीरियड में डिलीवरी देनी है और वर्किंग डे और रीजनेबल बिजनेस आवर्स में टाइम के केस में, लेकिन किस जगह पर डिलीवरी होगी इसके लिए प्रोमिसर पहले फोन करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, आस्क करेगा, पूछेगा प्रोमिस, भाईजान ट्रक रेडी है, बताइए किधर लाना है, किधर अरेंज किया है आपने, किधर ठिकाने लगाना है, वो बताएगा। फिर चाहे इस पार्टी के 50 गोदाम हो, लेकिन प्रोमिसर खुद से किसी गोदाम में सामान नहीं लेके जाएगा, उसे नहीं पता किस जगह इंतजाम किया गया। बाद का तो घरों में भी लोग सामान स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए प्रोमिसर पूछेगा पहले, प्रोमिसर पहले पूछेगा उसे कि बताओ भाई किधर सामान, इधर नहीं पूछे, इधर खुद फैसला कर रहा था, ये फर्क नोट करें, इधर पूछ क्यों, क्योंकि उसे पता है, लॉ बनाने वाले को पता था कि अनलोड करवाने के लिए सेफ, उसके इंश्योर करने के लिए सेफ्टी इंतजाम करने पड़ते हैं, इसलिए उसने कहा पहले भाई बताओ किधर इंतजाम किए। जिस जगह पे फिर प्रोमिसी कहे वहां पे आपने सामान को डिलीवर कर देना है।
प्रोमिजर आस्क, ये प्रोमिजी है, प्रोमिजर आस्क, प्रोमिजर पूछेगा, प्रोमिजी स्पेसिफाइज, प्रोमिजी बताएगा क्या के किस जगह है। लेकिन ला कहता है प्रोमिजी की भी जिम्मेदारी है रीजनेबल प्लेस बताए, वो ये ना कहे हाँ चांद पे ले आओ, याद है बजा दिए थे, चांद पे ले आओ, दिल्ली ले आओ, ठीक है लाहौर में एग्रीमेंट हुआ है और कह रहा है क्वेटा ले आओ, ऐसे नहीं, बल्कि प्रोमिजी, दोनों में फर्क समझ आया, टाइम मेंशन नहीं है तो रूल क्या है, प्लेस मेंशन नहीं है तो, टाइम मेंशन नहीं है तो रूल क्या है, रीजनेबल पीरियड, और रीजनेबल पीरियड में दूसरा पॉइंट फिर क्या है, वर्किंग डे और बिजनेस आवर्स, और प्लेस मेंशन नहीं हो तो प्रोमिजर आस्क और प्रोमिजी स्पेसिफाई रीजनेबल प्लेस। अब ये रीजनेबल क्या है, अब आप कहें सर रीजनेबल क्या है बताइए, हैं दुबई चौक पे, मॉडल टाउन में, मीनारे पाकिस्तान के, तो ये क्वेश्चन, ये जजमेंट का है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये केस टू केस वेरी करता है, कुछ समझ आई। चलिए अब मेरा ख्याल है इतना काफी है ऑर्डर ऑफ, लेकिन आपने फिर कल इसके क्वेश्चन करके लाने हैं, ये ऑर्डर रहने देते हैं, ऑर्डर कल करेंगे, टाइम एंड प्लेस के क्वेश्चन सारे करके लाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।